Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara special dishes YouTube channel। आज मैं आपको छली उबालने का कमर्शियल तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इससे बहुत नरम छलियां उबाली जाती हैं। आपने अक्सर बाज़ार से लेकर छली खाई होगी, बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें, ये छलियां मैंने घर पर बॉयल की हैं। ये इसके लिए मैंने ये 6 छलियाँ ली हैं जो कि छिलके समेत हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर पर्दे हैं, ये फ्रेश छलियाँ हैं। ये देखें, ये फ्रेश छलियाँ हैं और इनके जो छिलके हैं ऊपर, जिसको आम जुबान में पर्दा भी कहा जाता है, इसके ऊपर हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेते हैं। ये इस तरह हमने इसके छिलके उतारने हैं और आखिरी जो इसकी लेयर होगी वो हमने ऊपर से नहीं उतारनी, और इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो भी हमने नहीं उतारने। ये बैक साइड से ये छिलके जो हैं और इसकी डंडी मैंने काट दी है, और इसी तरह आगे से भी इसका सिरा काट दिया है। तो इसी तरह हम बाकी जो छलियां हैं उनके छिलके भी उतार लेते हैं, और सब के बैक साइड और फ्रंट जो है, आगे जो इसका सिरा है उनको काट देंगे, और आखिरी लेयर जो है उसकी रहने देंगे, क्योंकि इससे छलियां जो हैं वो बहुत मज़ेदार बॉयल होती हैं। इसी तरह सारे छिलके जो हैं, सारी छलियों के, वो मैंने उतार दिए हैं और सिर्फ ये लास्ट रह गई है। तो इसको भी हम इसका उतार का छिलका और बैक और इसका सिरा जो है वो काट लेते हैं। ये देखें, सारी छलियाँ जो हैं उनके मैंने छिलके उतार दिए हैं और एक छलनी में रखा है ताकि इसको हम थोड़ा सा धो लें, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल वगैरह होते हैं और स्प्रे किया होता है, तो इसका उतार दिया जाए। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं ये छलियाँ जो हैं जिनके मैंने छिलके उतारे हैं इसमें रख रही हूँ। ये देखें, सारी छलियाँ जो हैं वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, पानी मैंने डाला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला, और इसमें मैं एक टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास छलियाँ ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा सॉल्ट डाल सकते हैं, और इसमें मैं हाफ गिलास जो है वो मिल्क डाल रही हूँ। इससे छलियाँ जो होती हैं उसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। और पानी मैंने ज़्यादा डाला है, पानी जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए ताकि छलियाँ जो है वो डूब जाए। और प्रेशर कुकर को मैंने ऊपर से बंद कर दिया है और ऊपर इसके वेट लगा दिया है और चूल्हा साथ ऑन कर दिया है। 1 घंटे तक कम से कम हम इसको बॉयल करेंगे। साथ हम ये मसाला बना रहे हैं, ये चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली ली है। इन सब मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है, और 1 लेमन लिया है जो कि मैंने दरमियान में काट दिया है। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा हो गया है तो छलियां हमारी बॉयल हो गई हैं। अब हम इनको निकाल कर एक छलनी में रख लेते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। ये देखें, एक छली जो है वो मैंने ली है और एक स्क्यूअर लेकर इसके बैक साइड पर लगा रही हूँ। ये मेरे पास लोहे का है, ये बाज़ार से आपको लकड़ी के बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इस और इनके छिलके जो हैं वो मैंने इसके ऊपर बैक पे ऐसे ऊपर से उतार कर रखे डाले हैं, और हम इसके ऊपर मसाला लगा लेते हैं। ये मसाला पहले मैंने मिक्स करके रखा था और लेमन जो काट के रखा है, लेमन के साथ हम मसाला लगा कर लगाएंगे तो ये और भी मज़ेदार
बनेगा। और इसी तरह बाकी जो छलियां हैं उनको भी हम स्क्यूअर के ऊपर लगाकर ऊपर से छिलके उतारकर उनके ऊपर मसाला लगाकर, ये मसाला लगा दिया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से हमारी छलियां बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल हुई हैं और ये बहुत ही नरम हैं और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।